दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है और इस अवसर पर नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पहला बयान जारी किया है। आतिशी ने भावुक शब्दों में कहा, आज मेरे दिल में जितना सुख है उतना ही गहरा दुख भी है। कृपया मुझे सीएम बनने की बधाई मत दीजिए और माला पहनाने की भी कोई जरूरत नहीं। आतिशी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के एकमात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए कि पार्टी ने एक ईमानदार नेता पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें झूठे मुकदमों पर 6 महीने जेल में रखा और एजेंसियों का दुरुपयोग किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को न सिर्फ जमानत दी बल्कि बीजेपी और एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाया। आतिशी ने बीजेपी के षड्यंत्र की निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी की चालाकियों से गुस्से में हैं। अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रचा है, उन्होंने जनता की अदालत में जाकर ही अपना पद छोड़ा। आज दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने क्या भी कहा, यदि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली की शानदार शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा और अस्पताल की सुविधाएं खतरे में पड़ जाएंगी। मैं चुनाव तक यही प्रयास करूंगी कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए और बीजेपी और एलजी द्वारा बंद की जा रही योजनाओं को चालू रखा जाए। दिल्ली के लोगों की रक्षा मेरी प्राथमिकता होगी। आतिशी ने अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से लिया है और यह साफ है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की राजनीति पिच पर कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं।